लेकिन 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 में काफी था कि एंटी इनकम्बेंसी है, सारे विपक्ष एक साथ आ गया है, सारी ऑपोजिशन की पार्टियां एक साथ आ गई हैं, मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हो गए हैं, घेर लिया है, अब नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारी चीजें थी और सच में थी। रीजनल पार्टीज भी साथ में आ गई थी, सबने हाथ मिला लिए थे, ऐसे हाथ पकड़ के सबने ऊपर कर दिए थे एक मंच से, लेकिन उसके बाद भी बंपर जीत, बहुत बड़ी अप्रत्याशित जीत। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में जो पूरी गन्ना बेल्ट और जो पूरी जाट लैंड, यादव लैंड, जो ये मीडिया ही नाम देता है, मैं तो सच बताऊं तो मीडिया ही नाम देता है, चाहे जाट वहां कम हो, ओबीसी ज्यादा हो, लेकिन है वो जाट लैंड, ठीक है। तो ये पूरा जाट लैंड, गन्ना, जो भी बेल्ट वगैरह जो भी था, यहां पर ये कहा जा रहा था और जो हम लोग भी समझ पा रहे थे कि है नाराजगी तो है, लेकिन एक बात अगर आपको याद हो फरीद साहब, और शायद जय दीक्षित साहब आपको भी याद हो, एक बात मैंने हमेशा कही है और कहता रहा हूं, इस बात से आप इत्तेफाक रखिए कि कैमरे के सामने आकर जो बोलते हैं वो राजनीति से कहीं ना कहीं से जुड़ाव कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो आम वोटर है, जो बिल्कुल आम है, वो डरता है, वो कैमरे के सामने आता ही नहीं, वो दूर से देख कर मुस्कुराता है। और जब हम लोग बात कर रहे होते हैं मीडिया वाले किसी से, वो कह रहा होता है कि अरे भैया सपा ही सपा आएगी, तभी दूर से मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है आम वोटर, चाय पी रहा होता है कि बताएंगे, और ऐसा हो जाता है। तो फरीद साहब आप थोड़ा सा बताइए अनुभव के हिसाब से, कि आपने पूरा चुनाव देखा, कवर किया, सब कुछ ए टू जेड आप समझे जाने, तो फरीद साहब कहां पेच, समाजवादी पार्टी का जो पेच था कहां ढीला रह गया? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आपने अभी सही की, जो प्रोडक्शन रहे 2014-2019 के, वो प्रोडक्शन बिल्कुल जब उल्टा ही बताया, और अब की कभी कलेक्शन बिल वैसे था, जो सैनरियो सामने हम लोगों को आ रहा था, दिखने में लग रहा था समाजवादी पार्टी का अंडर करंट है, वो समाजवादी पार्टी का अंडर करंट नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट था, समझने में थोड़ी सी भूली। और जो आम मतदाता की आपने बात करी, ये मैं एक और बात कह दू, अभी जय दीक्षित साहब से मैं यही बात कह रहा था कि अंडर करंट, ये अंडर करेंट जो है और जो साइलेंट वोटर है, ये कहीं भी लगा दीजिएगा, ये बढ़िया है वरीद साहब। जनता जनता बहुत चालाक हो गई है कविंद्र जी, अब जनता चालाक है, सभी चालाक हो गए, वोट में तब्दील नहीं होते। हाँ मैं कैसे आ रहा हूँ ठीक है फरीद साहब की बात कंप्लीट हो जाए, जयदीक्षित साहब, फरीद साहब की बात कंप्लीट हो जाए। जी मैं कह रहा हूँ, जो ये राशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, वो गरीब वर्ग जो था उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं योगी सरकार आपके साथ है। और ये जो आपने अभी पहले एक बात उठाई थी कि गांव में हम लोग जाते थे बात करते थे लोगों से, मुस्कुराहट तो रहती, समाजवादी पार्टी की बात मुस्कुराहट होती थी, लेकिन उसका रिएक्शन जो सही सही था वो समझ नहीं पाए, वो रिएक्शन ही रहा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था। वो जो राशन की व्यवस्था थी और कहें कि घर की व्यवस्था, मकान दिए, तो इन सब का कहीं ना कहीं तो कुछ असर देखने को ग्रामीण जनता में मिला है जरूर। सब कुछ बढ़िया है जय दीक्षित साहब, एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि वोट खुले, वोट खुलते 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 जो भी रुझान इधर से उधर, उधर से इधर, आपने सब देखे, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लग रहा था कि सपा यहां तो जीत जाएगी, क्योंकि वहां की जो जनता थी वो बहुत नाराज थी, अपने लोकल के जो एमएलए थे जो पहले बीजेपी के थे उनसे बहुत नाराज थी, लेकिन वहां पर भी रुझान जो है वो दरअसल कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा है। इसका मुख्य कारण योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा सामने होना है, जनता अपनी छोटी नाराजगी के चलते प्रदेश का नेतृत्व जो इतना सशक्त तरीके से सामने खड़ा है उसको बदलना नहीं चाह रहे थे, और शायद यही कारण है कि स्थानीय प्रत्याशी जो बीजेपी के जीते हुए विधायक है जिन्हें जो जनता को उनके अनुरूप कनेक्ट नहीं कर पाए अपने साथ, और जो नाराजगी थी उसके आगे योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा जो सामने था विजुअल मार्केटिंग का स्क्रीन पर निकल के आया और जनता ने उसको अपनाया है और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे वोट किया है कविंद्र जी, यहाँ जनता की जो थोड़ी सी नाराजगी थी
वहां भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के सामने बड़ा नगण्य सा दिखा और जनता ने, मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दूसरी बार विश्वास किया जिसका रिजल्ट हमारे आपके सामने। जी कविंद जी बिल्कुल। तो हमारे साथ हेमंत जी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी भी हमारे साथ हैं। वो भी लग रही है, क्या करते हैं, संत कबीर नगर से हेमंत जी। हेमंत जी भी हमारे साथ हैं। हेमंत जी मैं ये जानना चाह रहा था, ओम प्रकाश राजभर जीत के करीब हैं और इधर साइड जितने भी लोग हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की स्थिति आप पहले कैसी देख रहे थे और अभी जो स्थिति है वो क्या नजर आ रही है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का भी बड़ा चल रहा है कि पीछे हैं, पीछे हैं, पीछे हैं उसी साइड का। जी आपको बता दें कि कुशीनगर जो है वहाँ पर बीजेपी 700 सीटों पर आगे चल रही है और पूर्वांचल में अगर कही जाए तो इक्का दुक्का सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है सभी सीटों पर आगे चल रही है। और बड़े चेहरों में अगर बात करें तो दिल्लुपार विधानसभा सीट से हरिशंकर तिवारी जी के लड़के विनय तिवारी जी कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। वही सिद्धार्थनगर की इटवा महा की जो सीट है वहाँ से माता प्रसाद पांडे जो बड़े चेहरे के रूप में है समाजवादी पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला जुला के अगर पूर्वांचल की बात करें तो साइलेंट वोटर का जो जो काम रहा है वो अनोखा काम रहा है और उन्होंने अपने हिसाब से मतदान किया है और जिससे कि जो अप्रत्याशित जो है रुझान अभी देखने को मिल रहे हैं। और पूर्वांचल की अगर बात करें तो बड़े चेहरों में जो भी है स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे चल रहे हैं, अजय कुमार लल्लू भी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बच गया तो कोई बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता है। यहां पर अरविंद पांडे चुनाव जीते और साथ ही साथ किशोर उपाध्याय भी चुनाव जीत गए टिहरी से। तो टिहरी से किशोर उपाध्याय और अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री जो कि गदरपुर से चुनाव जीत गए। तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार जो अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री चुनाव जीते और साथ ही साथ किशोर उपाध्याय भी टिहरी से चुनाव जीत गए। तो दो ये बड़े नाम, बड़े चेहरे जो कि चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने चुनाव जीत गए हैं। तो उत्तराखंड में यह पहली बार, मैं बार बार बता रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता हो। आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता हो। तो यह देखिए कि उत्तराखंड के इतिहास में जो नहीं हुआ, आज इतिहास दरअसल बदला जा रहा है, इतिहास बनाया जा रहा है। आज एक तरफ हरीश रावत साहब चुनाव हार गए और इतना लंबा मार्जिन 14,000 वोटों का, तो दूसरी तरफ ये देखिए गदरपुर से अरविंद पांडे जीत गए हैं पहली दफा। ऐसा कभी नहीं हुआ उत्तराखंड के इतिहास में कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता। तो ये देखिए आप, गदरपुर से अरविंद पांडे साहब शिक्षा मंत्री चुनाव जीत गए पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में। तो ये देखिए आज उत्तराखंड तो इतिहास पर इतिहास बना रहा है, वन टू बैक टू बैक इतिहास की खबरें आ रही है। बड़ा प्रत्याशित सा हो रहा है उत्तराखंड में कुछ। ये देखिए आज तक कोई शिक्षा मंत्री जो है उत्तराखंड में आज तक चुनाव नहीं जीता कोई भी शिक्षा मंत्री। तो ऐसे में तो कई लोगों को डर लगने लगा था कि शिक्षा मंत्री ना ही बने तो बेहतर, वरना जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अरविंद पांडे साहब इतिहास रच दिया, शिक्षा मंत्री और चुनाव जीत गए। ये चीजें, ये फैक्टर्स बड़ा काम करती हैं जय दीक्षित साहब, ये फैक्टर्स बड़ा काम करते हैं कि नोएडा नहीं जाएंगे वरना हार जाएंगे। तो ऐसे ही एक बन जाता है कि शिक्षा मंत्री है तो जीते ही नहीं आज तक इतिहास में, तो बनना ही नहीं है कि हार जाएंगे। लेकिन ये देखिए इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी कविंद्र जी इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तराखंड में रही हो या उत्तर प्रदेश में, यहाँ बायस तो के काम नहीं की। अगर मैं जन सुविधाओं की बात करूं तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर हिंदू को वोट अगर किसी दलित को मिला तो कई मुसलमान को भी मिला। तो एक बराबर आठ से पूरी जनता को जो जन सुविधाएं मिलनी थी वही हाल की उत्तराखंड में भी है। तो वो जो जन सुविधाएं है, जिस तरीके का शौचालय है, जिस तरीके का आवास योजना है, जिस तरीके का योजना है, तो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का जो राज है उसमें इनका जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास,
इससे लोगों ने कहीं किसी को दो तरीके से किसी वर्ग विशेष को उपेक्षित तरीके से नहीं देखा और जन सुविधाओं का लाभ हर उस वर्ग को मिला है जो उसके लिए अपेक्षित था, जिसके लिए वो अपेक्षित था और जो उसका हकदार था और उसकी उसका एक विश्वास है। इस विश्वास का प्रतिफल है कि आज आप जैसे आप बता रहे थे कि शिक्षा मंत्री उत्तराखंड में दूसरी बार पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि वो चुनाव जीते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो जन विश्वास है उसका उसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वही है, क्योंकि वहां पे कोई बायस चीजें नहीं हुई। अगर बिजली मिली तो सबको मिली, सड़क मिला तो सब वर्ग के लिए मिला, एक बहुत बड़ी चीज थी। जी कहें जी। हिमांशु जी, ये जानना चाह रहा था कि लखनऊ से इस वक्त जो तस्वीरें हैं, क्योंकि अब तो तस्वीरें वो आने लगी हैं, अब तो वो काउंटिंग की तस्वीरें या परेशानी की तस्वीरें, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम की सुरक्षा में तैनात टाइप ऑफ खबरें टाइप ऑफ तस्वीरें तो आना बंद हो गई, अब तो तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं सेलिब्रेशन की, वो आ रही हैं जश्न की, और जश्न पर कोई पाबंदी नहीं है, जश्न पर कोई ताला नहीं है, तो खुलकर जश्न भी मन रहा है। तस्वीरें आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर। बिल्कुल, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ प्रदेश कार्यालय का गेट दिख रहा है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं जश्न का माहौल बना है, होली आने से पहले। ठीक है, प्रदेश कार्यालय पर आप मौजूद हैं, आप प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं, हिमांशु जी बात करने की कोशिश कीजिएगा, जो वहां पर लोग मौजूद है उनसे बात करेंगे और पीसीआर साहब फुल स्क्रीन पर लेंगे जब हिमांशु साहब बात करेंगे। हिमांशु साहब काफी लोग वहां पर मौजूद होंगे, जश्न मना रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पीसीआर साहब डायरेक्टर साहब आप फुल स्क्रीन पर लेकर इनको लेकेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग पर आपको सीधे ले चलूंगा, ब्रेकिंग के बाद जब लौटेंगे तो हिमांशु साहब आप पर आएंगे, आप बातचीत करेंगे और फुल स्क्रीन पर लेंगे इनको। ठीक है, तो ब्रेकिंग यह है कि खुर्जा से बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह आगे हैं, तो ये अपडेट है कि मीनाक्षी सिंह आगे हैं, अनूप शहर से बीजेपी प्रत्याशी संजय शर्मा आगे हैं, अनूप शहर से बीजेपी प्रत्याशी संजय शर्मा आगे हैं, सिकंदराबाद से सपा प्रत्याशी राहुल यादव आगे हैं, तो कौन आगे कौन पीछे बताते चल रहे हैं, बिल्कुल अपडेट देते हुए चल रहे हैं। बुलंदशहर सदर से बीजेपी के प्रदीप चौधरी आगे हैं और खुर्जा से बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह आगे हैं, तो ये अपडेट आपको देते हुए चल रहे हैं कि खुर्जा से मीनाक्षी सिंह आगे हैं और अनूप शहर से बीजेपी प्रत्याशी संजय शर्मा आगे हैं। तो ये इलेक्शन ब्रेकिंग चल रही है, आपके ऊपर देखिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, सिकंदराबाद से सपा प्रत्याशी राहुल यादव आगे हैं, बुलंदशहर सदर से बीजेपी के प्रदीप चौधरी साहब आगे हैं और हिमांशु साहब हमारे लखनऊ में तैनात है पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में क्या कुछ हलचल है, किससे वो बातचीत कर रहे हैं किससे नहीं, फुल स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब आएंगे और उनसे बातचीत, उनसे कहेंगे कि वहां पर जितने कार्यकर्ता मौजूद है किस तरीके का जश्न का माहौल है, उस माहौल को टटोलेंगे, उस माहौल में बात करेंगे, वहां पर जो भी प्रत्याशी जो भी कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। तो बीजेपी कार्यालय में हमारे साथी हिमांशु मौजूद है। बता देते हैं कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, तो बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी, तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी अब बीजेपी दफ्तर जाएंगे, कब जाएंगे वो भी बता देते हैं, शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम को 7 बजे सीएम योगी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। तो अब चीजें जो है वो साफ होती जा रही है, धुंध थी, धुंध की आखिरी लेयर भी दरअसल हटा दिए दर्शकों। नोएडा से पंकज सिंह 75,000 वोटों से आगे हैं, तो नोएडा से 75,000 वोटों से आगे हैं और जेवर से बीजेपी 7,000 वोटों से आगे है, तो झुंड की जो आखिरी लेयर थी वो भी अब हटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, पंकज सिंह बहुत बड़े अंतर से आगे हैं, बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस वक्त जाएंगे, शाम के 7 बजे, तो ये टाइम कार्यक्रम फिक्स हो गया है कि शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे बीजेपी के दफ्तर जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, नोएडा से पंकज सिंह 75,000 वोटों से आगे, तो यह बड़ी खबर है कि 75,000 वोटों से आगे हैं पंकज सिंह और जेवर से बीजेपी 7,000 वोटों से आगे। ठीक है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो धुंध की आखिरी लेयर थी वो भी अब हटती नजर आ रही है, अब स्पष्ट और साफ होता जा रहा है कि कौन जीत रहा है। सतीश महाना साहब क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनवाएंगे सीधे।
भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना पूर्ण और संपूर्ण बहुमत दिया, जब दो तिहाई बहुमत कहते हैं, दो तिहाई बहुमत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने कृपा पूर्वक महाराजपुर विधानसभा से आठवीं बार लड़ने का अवसर दिया। महाराजपुर विधानसभा की जनता अब की बार एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो चीज सामने आ रही है। महाराजपुर की जनता को बधाई। मैं महाराजपुर की जनता को केवल एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझसे अपेक्षा करते हैं मैं उसके ऊपर खरा उतरूंगा। दावे देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि श्रीमान अखिलेश यादव के समय में किस प्रकार से जीना मुश्किल हो गया था, बहन और बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पूरा प्रदेश जानता था कि कैसे दंगे के अंतर्गत पूरा प्रदेश धकेला जाता था। पूरा प्रदेश जानता है कि कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे लूट होती थी। पूरा प्रदेश जानता है कि जो संविधान के अखिलेश यादव जी कह रहे थे संविधान को बचाना है तो बीजेपी को वोट ना दो। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के साथ वो लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते वो अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करते हैं और अखिलेश यादव संविधान की बात आपको सुनवा रहे हैं कि सतीश माना साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हाथ है उसी की बदौलत जो है सब कुछ क्लियर एंड बहुत साफ चलता है बीजेपी का। तो आपको बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इतिहास रचती हुई नजर आ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो कभी पीछे और कभी आगे वाली तो तस्वीर है वो नजर आ रही है। मऊ से मुख्तार अंसारी का बेटा जो है वो भी पीछे बताया जा रहा है कि और सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह 17,900 वोटों से आगे हैं। ये आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो बीजेपी दफ्तर में जो जश्न का माहौल था उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। वाराणसी दक्षिण से बीजेपी जो है वो आगे बताई जा रही है। तो ये कुछ अपडेट है। और देवबंद सीट से बीजेपी के ब्रजेश सिंह 23,000 वोट से आगे हैं। तो देवबंद सीट से भी बीजेपी के ब्रजेश सिंह जो है वो 23,000 वोटों से आगे हैं। और राकेश टिकैत के क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो राकेश टिकैत के क्षेत्र में भी बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है और बड़ी बात आपको बताते चल रहा हूँ। पंजाब की धुरी सीट से भगवंत मान की जीत हो चुकी है। तो भगवंत मान के लिए रास्ता अब क्लियर है, साफ है। आम आदमी पार्टी के जो चेहरे थे, फेस थे, उनके लिए 55,000 वोट से। तो आपको आज बता रहा हूँ कि शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो कि धुंध को हटाती है। तो ये बड़ी खबरें आपको बताते चल रहे हैं। हेमंत साहब हमारे साथ हैं, मनोवर चौहान साहब हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हैं हिमांशु जी, और हिमांशु जी को समझाते हुए दिख रहे हैं शुभम जी। तो सबसे पहले तो हिमांशु जी मैं आप पर ही रहूंगा और फिर आपके बाद सब पर आऊंगा। सबसे पहले तो आप क्योंकि पार्टी कार्यालय में मौजूद है वहां 2-4 लोगों से जरा बात करिए और जरा उनको निकालिए, जरा टटोलिए, सोचिए, पूछिए कि क्या कह रहे हैं, बात करिए उनसे। तो बिल्कुल साफ तौर पर बताया सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। उसी के साथ इन्होंने भी मतदान किया था और आज कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। वहीं से एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, योगी जी भी आ सकते हैं 3 बजे प्रदेश कार्यालय पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पहुंच करके लोगों को कार्यकर्ताओं में और उत्साह का जोश भर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। और हिमांशु जी आप बिल्कुल डटे रहिएगा बिल्कुल परफेक्शन के साथ, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं तो उसका विजुअल भी भेज दीजिएगा और लाइव भी वहां पर आप डटे रहिएगा, लाइव भी आपको जोड़ेगा, लाइव भी आपसे लगातार बात करते रहेंगे। लखनऊ की महापौर, कुछ देर पूर्व लखनऊ की महापौर भी यहां पर आ चुकी है जिन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लड्डू बांट के लोगों को उत्साह बनाया। साथ ही साथ यहां पर कार्यकर्ताओं ने होली मना करके भी जश्न का माहौल बनाया। मतलब और भी बहुत से कार्यकर्ता मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि इन्होंने जो मतदान किया है। किस मैम सर, क्या नाम है आपका?